नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोजपा रामविलास के प्रदेश महासचिव व गया जिला प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह से बातचीत के क्रम में अपनी जीवन गाथा सुनाई। बताते चले कि संवाददाता से बातचीत के क्रम में पूछे गए सवाल के जवाब में प्रमोद कुमार सिंह ने अपना जन्म और बचपन, शिक्षा आदि के बारे में जानकारी साझा किए। किस परिस्थिति में आपने बाहर जाकर काम किया और आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब और कैसे प्रारंभ हुई? तब संवाददाता द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि मेरा जन्म सन 1966 में मदनपुर प्रखंड अंतर्गत कमाद गांव में हुआ। मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी किसान थे। सबको पता है कि उस वक्त किसान की हालत क्या थी। मैं उच्च शिक्षा वार हाई स्कूल से पाया। सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय औरंगाबाद में मैं साइंस का स्टूडेंट रहा। मैं अपने पिताजी को उस वक्त कुछ कह भी नहीं पाता था क्योंकि मेरे घर की माली आर्थिक हालत भी ठीक नहीं थी। जब मैं अपने घर से पैदल चलकर वार पहुंचने के बाद राज्य परिवहन निगम की बस पकड़कर प्रतिदिन सुबह 6 बजे ही किसी भी मौसम में पढ़ने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा महाविद्यालय औरंगाबाद में जाता था। तब उस वक्त मेरे पिताजी 5 रुपये रोज के हिसाब से दिया करते थे। सन 1983 में मैं वार हाई स्कूल से मैट्रिक की डिग्री प्राप्त किया। उस वक्त वार हाई स्कूल में प्रिंसिपल मेरे गुरु थे। सन 1983 में मैं वार हाई स्कूल से मैट्रिक की डिग्री प्राप्त किया। उस वक्त वार हाई स्कूल में प्रिंसिपल मेरे गुरु थे। कोना निवासी राम जतन बाबू, जो हमसे हमेशा कहते थे कि बाबू, वार हाई स्कूल अगर प्रतिष्ठा बचाना है तो मैट्रिक के परीक्षा में 1st डिवीज़न अवश्य लाना होगा। तब उसी वक्त मैंने भी ठान लिया था कि मैट्रिक की परीक्षा में 1st डिवीज़न रिजल्ट अवश्य लाऊंगा। इसके बाद मैं मैट्रिक की परीक्षा में 624 नंबर एग्रीगेट लाया और प्रथम श्रेणी से पास हुआ। और जहां तक मुझे राजनीति में आने का सवाल है तो मैं सेवाभाव से राजनीति में आया। किसानों की दयनीय स्थिति, बेरोजगारों की स्थिति को भी मैंने काफ़ी नज़दीकी से देखा कि बेरोजगार लोग अपने रोजगार के लिए कैसे आतुर रहते हैं। मेरे घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसी वजह से मैं प्राइवेट नौकरी करने हेतु बाहर चला गया। सर्वप्रथम हम प्राइवेट नौकरी करने हेतु मध्य प्रदेश राज्य अंतर्गत कटनी निकले। वहाँ मेरे गांव के ही कुछ लोग भी रहते थे। उन्हीं लोगों को मैंने बताया, जबकि उन लोगों ने मुझे उस वक्त काम करने से मना भी किया कि आप पढ़ने में तेज हैं, इसलिए आप पढ़ लिख कर कोई अच्छा पोस्ट पर नौकरी कीजिए। तब मैं उन लोगों से कहा कि जब मेरे पिताजी पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। इसके बाद जब मैं उन लोगों से आग्रह किया तब मुझे हमाली का काम मिला। इसके बाद उस वक्त मुझे प्रति कार्टून उतारने में मात्र 50 पैसे ही मिलते थे। उस वक्त मैं दिन भर में मात्र 10 रुपये कमाता था। आज मैं लाखों गरीब का काम कर रहा हूँ। आइए आगे उनकी जुबानी सुनाते हैं। धन्यवाद देना चाहूँगा अपने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय चिराग पासवान जी को और प्रदेश अध्यक्ष हमारे परमादरणीय राजू तिवारी जी को, जो हम पे भरोसा करके हमें प्रदेश महासचिव बनाए। और साथ साथ अभी जो सरकार के खिलाफ में बिजली बढ़ते हुए बिजली दर के खिलाफ में हमारी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरे प्रदेश में जो धरना दे रही है, एक दिवसीय जो 23 तारीख को है, उसके लिए हमें गया का प्रभारी बनाया गया है। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और गया जिला में वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं उनसे बराबर बात हो रही है हमारी, और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्षों से भी बात हुई। और 23 तारीख को मैं वहाँ पे धरना स्थल पर गया में उपस्थित भी रहूँगा और हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। वहाँ लोग धरना में काफ़ी ये जनमानस से जुड़ा हुआ ये धरना है, कारण जनहित की बात है। और सबको को बिजली सस्ती चाहिए। और जो नीति है नीतीश कुमार जी का, वो 35% अब मार्च के बाद दर बढ़ाने का, ऐसे ही हमारे देश में सभी राज्यों से ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ बढ़ा हुआ बिजली का दर है। और उसके बाद भी अब 35 से 40% यदि बिजली दर बढ़ाते हैं तो गरीबों से तो आप बिजली को छीन रहे हैं। दूसरे राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों को फ्री बिजली दी जा रही है सरकार द्वारा। दिल्ली जैसा राज्य में 200 यूनिट फ्री है।
और आप 9 रुपया 10 रुपया यूनिट पे बेचेंगे बिजली को, तो गरीब लोग जो रोज दिहाड़ी करता है, मजदूरी करके अपना घर परिवार चलाता है, किसान भाई जो रात दिन मेहनत करके अपना अन्न उपजाते हैं, वो तो बिजली से बहुत दूर हो जाएंगे। उनके यहाँ तो बिजली रहना नहीं रहना कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके खिलाफ में हम लोग, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी, परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के आदेशानुसार पूरे प्रदेश में हर जिला में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास धरना दे रही है, और ये धरना में जनमानस उमड़ेगा और जनता की भलाई की बात है। जनता स्वयं इसके लिए उत्साहित है और अच्छा प्रदर्शन रहे। 23 तारीख को ही होंगे, मगध का भी हमें प्रभार नहीं मिला है, और जब मिलेगा तो पूरे मगध क्षेत्र को मजबूत करूंगा और निश्चित रूप से मगध मजबूत होगा। कारण हमारे पास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे बिहार के भविष्य हैं। आज बिहार की जनता उनके तरफ ही टकटकी लगा करके बैठी हुई है कि चिराग पासवान ही बिहार के को में जो अभी सरकार है, जो 32 वर्षों से जिनकी सरकार है, और जितना भ्रष्टाचार है और बेरोजगार लोगों पर लाठी बरसाया जा रहा है सरकार के द्वारा, और जितना भी जनता 32 वर्षों से परेशान है, वो आज चिराग पासवान के ऊपर ही सबकी नज़र है कि यही हम लोगों का बेड़ा पार करेंगे और आने वाला 2025 में चिराग पासवान बिहार के सीएम होंगे। बिजली विभाग का हमेशा मुद्दा उठ रहा है प्रीपेड मीटर का, लेकिन प्रीपेड मीटर का समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? इनका कोई नीति ही नहीं है। जो अभी सरकार चल रही है कुर्सी कुमार जी का, इनका बिजली के प्रति कोई भी नीति और सिद्धांत नहीं है। ये तो जो कंपनियां यहाँ बिजली विभाग में काम कर रही हैं, वो कंपनियों के जो जैसा कहती है सरकार वैसा मान रही है। आज जो बिजली दर है 6 रुपये 80 पैसे 85 पैसे पर यूनिट, वो हमारे यहाँ देश में हर राज्यों से ज़्यादा है, और इसके बाद भी सरकार 35 से 40% मार्च के बाद बढ़ाने जा रही है। उसी के खिलाफ में तो हम लोग धरना देने जा रहे हैं। तो कहते तो हैं कि हम सभी समाज को जो है साथ लेकर के चलते हैं, सुशासन की सरकार है। आपके सामने है, वो तो आपके सामने है कि सभी समाज को साथ आप लेके चल रहे हैं और गरीबों को मुफ्त में बिजली देती है हर राज्य में सरकार, आप बिजली उनसे छीन रहे हैं। किसानों को फिक्स किया हुआ है बिजली है हर राज्य में, आप किसानों को इतना महंगा दर पे बिजली देंगे तो उनका तो फसल का दाम भी नहीं निकल पाएगा। तो वो क्या किसान या गरीब मजदूर जहां पे सुखी नहीं है। वी टाइम न्यूज के लिए औरंगाबाद से प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट।